पता होगा कि सारे एग्जाम्स में, चाहे वो कंपटीशन एसएससी का हो, सीजीएल हो, रेलवे हो, या फिर और कोई स्टेट लेवल का एग्जाम्स हो, सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हो, ठीक है, साइंस से अलॉय यानी मिश्र धातु से एक दो क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया है ना कि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं सबको कलेक्ट करने की कोशिश की है। लगभग 14 प्रश्न हुए हैं और मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। और ये ऑलरेडी कई बार रिपीट हो चुके हैं इसलिए आगे भी रिपीट हो सकते हैं, राइट। देखते हैं, तो पहला प्रश्न है ब्रॉन्ज एज एंड एलॉय ऑफ, ये सब क्वेश्चंस क्या है ना, हॉट फेवरेट है, हमेशा आता रहता है, ठीक है। ते है कॉपर एंड टीन। अब देखो ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो कई बार इसके सिंबल आपको दे देंगे, ठीक है, टीन का सिंबल दे देगा, ठीक है, कॉपर का सिंबल दे देगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा। अब सिंबल तो आपको पता ही होगा, ठीक है, तो राइट आंसर होगा 3। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ, तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, ये होता है ना जिंक, कॉपर एंड निकेल, ये होता है जर्मन सिल्वर, ठीक है। अब देखो आपने कहीं जगह क्या होगा ना, ये आपने क्लास में भी पढ़ा होगा, बहुत सारे इसमें टिप्स होते हैं, ठीक है, कि शॉर्टकट बना के आपको याद रखने के लिए, बट मैं बोलता हूँ ना कि फंडामेंटल आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप शॉर्टकट बनाएं और एग्जाम में प्रेशर इतना ज़्यादा होता है ना कि आप शॉर्टकट भूल जाओगे। और शॉर्टकट याद रखने के लिए क्या है ना, आपको याद तो रखना ही पड़ेगा कि निकेल का पहला अक्षर, ठीक है, ऐसे याद रखोगे कि जर्मन, जैसे जर्मन और जैसे जिंक, यानी जर्मन सिल्वर में एक जिंक होता है, और कॉपर तो क्या है ना बहुत जगह कॉमन होता है, ठीक है, कॉपर होता है एक निकल होता है, निकल इसलिए होता है ताकि उसकी क्या है ना शाइनिंग थोड़ी चमक बनी रहे, ठीक है, और ये जंग वंग नहीं लगे, ठीक है, राइट। इसलिए मैं बोलता हूँ कि फंडामेंटल अब क्लियर रहो। टाइप मेटल यूज इन प्रिंटिंग प्रेस इज एन एलॉय ऑफ, अब देखो टाइप मेटल होते हैं ना तो इसमें लीड और एंटीमोनी होती है। अब एंटीमोनी क्या है ना बहुत हार्ड होता है, इसको मतलब पिघलाने के लिए आपको 650 से 700 डिग्री आपको चाहिए टेम्परेचर, ठीक है, और लीड क्या है ना थोड़ा सस्ता भी होता है, तो इसी के कारण क्या है ना कि आसानी से फैलता नहीं है, ठीक है, और जितने भी प्रिंट कर लो इसका हेल्प मिलता ही रहता है, ठीक है। मैग्नीलियम इज एन एलॉय ऑफ, अब देखो इसमें क्या ना, अगर दो चार बार आपने पढ़ लिया ना तो टिप्स बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको याद रहेगा। जैसे देखो ये क्या है ना मैग्नीलियम, तो इसमें आप ऐसे ही देखो इसमें क्या दो चीज़ें दिख रही है, एक है एल्यूमिनियम और एक है मैग्नीशियम, यानी एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम से मिलकर के ये बनी है, ठीक है, मैग्नीलियम। अब ये मैग्नीलियम होता कहाँ है, मैग्नीलियम है ना ये एरोप्लेन की जो बॉडी स्ट्रक्चर बनती है ना फ्रेम उसका, ये थोड़ा हल्का होता है और मजबूत होता है, और भी इसके कई यूज है। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, अब देखो स्टेनलेस स्टील को अगर आप देखोगे ना तो आपको एक चीज दिखेगा कि लोहे का तो वो है, ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील नहीं होते ना उसमें देखो कहीं कट फट जाए तो जंग लगने लगती है, ठीक है, और क्रोमियम जिसके कारण उसमें थोड़ा पॉलिश शाइनिंग होती है, ठीक है, थोड़ा सा कार्बन भी होता है इसीलिए थोड़ा ब्रिटिल जैसा होता है, ठीक है, वो टूट जाता है वो, ठीक है। तो मेजर एलिमेंट है ना यही होते हैं, इसके अलावा भी छोटे छोटे थोड़े थोड़े और कुछ तो होते हैं, ठीक है, तो ये तीन चीज़ें होती है, क्रोमियम, कार्बन एंड आयरन। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, ब्रास देखो किस चीज़ से मिलके बना है, तो ये मिलके बना है जिंक एंड कॉपर का। मैंने बोला ना कि कॉपर तो क्या है ना कहीं में आपको कॉमन मिलेगा, ठीक है, बाकी वेरिएबल एक दो ही होगा, उसमें क्या है ना तीन चार आपको मेटल ही दिखेंगे, जिंक आपको दिखेगा, क्रोमियम दिखेगा, ये सभी, ठीक है। तो ब्रास किससे मिलके बना, जिंक एंड कॉपर से। अब देखो सोल्डर, सोल्डर क्या होता है ना, वो टांके जो लगाते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिक की दुकान में जाओगे तो वायर को जो टांके लगा के जोड़ते हैं ना वो, या फिर जो ज्वेलरी की दुकान में जाओ तो ज्वेलरी की दुकान में भी क्या है ना टांके लगा के वो गहने को क्या है ना वो जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है टीन और लीड, जिसके कारण क्या है ना थोड़ा सस्ता भी होता है और आसानी से पिघल जाता है। अब अगर घर में दिए जलाएं ना उस पर ऐसे रखोगे तो ये पिघल जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ, अब देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो एलॉय होता है ना उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है टीन और लेड, ठीक है। अब देखो इसके कारण ये क्या होता है जो जल्दी पिघल जाता है, ठीक है, और हमारे शॉर्ट सर्किट होने से बचा लेता है। एन एलॉय यूज इन मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस, अब देखो ये जो ये इतना बड़ा जो हीटर होता है ना जिस पर खाना भी बनता है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके इसमें देखना आपको कॉयल रहेगा, ठीक है, जिसको प्लग इन करोगे स्विच ऑन करोगे ना तो एकदम लाल हो जाएगा, ठीक है,
तो ये होता है क्रोम, ये नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। अब ये नाइक्रोम भी क्या है ना, ये प्योर एलिमेंट नहीं है, मतलब ये क्या है, एलोय है। अब देखो अगर प्रीमा फेसी देखो तो इसमें क्या क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है निकल, एक दिख रहा है क्रोमियम, ठीक है। आप प्लीज कमेंट में, बॉक्स में कमेंट लिख के बताइए ये नाइक्रोम किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, ठीक है। ये एक्सरसाइज करने का आपको हेल्प क्या मिलेगा ना, आपको माइंड में फिट हो जाएगा, याद हो जाएगा। और हाँ, टिप्स आप कितने भी बना लो ना, रिवीजन की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप ट्रिक से याद कर लो और लाइफ टाइम तक याद रह जाए, ठीक है। आपको वो भी ट्रिक्स भी याद करने की ज़रूरत तो होगी, ठीक है। ब्रास इज एन एलॉय। अब देखो ब्रास को कैसे दो तरह से पूछा गया एग्जाम में, वो देखो, ठीक है। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था क्या क्या से मिल के बना है, Cu एंड Zn, ठीक है। ये इसका सिंबल है, मैं इसका पूरा नाम पहले ही बता चुका हूँ। मैं कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए कि Cu का मतलब क्या होता है और Zn का मतलब क्या होता है। बहुत ईजी है, अगर आपको ये मालूम नहीं है ना तो मैं बोलता हूँ कि आपको पूरी साइंस फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है। ओके, ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज मटेरियल्स द वन दैट इज नॉट एन एलॉय इज, ये चारों में से एलॉय कौन सा नहीं है। तो अभी पढ़ चुके हो, स्टील एलॉय है, बिल्कुल है। ब्रास एलॉय है, बिल्कुल है। ब्रॉन्ज एलॉय है, बिल्कुल है। कॉपर एलॉय नहीं है, ठीक है। तो यही होगा हमारा राइट आंसर, फोर्थ वन, कॉपर एलॉय है, नहीं है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज यूज इन मेकिंग मैग्नेट, ये मैग्नेट किससे बनता है, ठीक है। तो ये बनता है एल्निको से। अब देखो ये क्या ना एलॉय है, एल्निको ऐसा नहीं है कि सिंगल मेटल है। इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, एक एल्युमिनियम दिख रहा है, निकिल दिख रहा है, कोबाल्ट दिख रहा है, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा गूगल कर लो, ये केमिस्ट्री की बुक है ना, फिर से पलट के देख लो साइंस की, और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका बाइफर्केशन क्या क्या से मिलके बना है, ठीक है। एल्युमिनियम, निकिल, कॉपर, कोबाल्ट, जो भी आपके हिसाब से लग रहा है, ठीक है। थर्ड राइट सर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एलॉय दे आर, ठीक है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये देखो कंपाउंड, मिक्सचर, सॉल्यूशन सब है, होमोजेनस सिस्टम नहीं है, ठीक है। होमोजेनस सिस्टम का मतलब होता है ना सिमिलर मटेरियल को। अब सोचो आयरन को आयरन के साथ मिलाएंगे तो एलॉय होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, तो आयरन का आयरन ही होगा ना। टीन को टीन के साथ मिलाएंगे, मिस होमोजेनस सिस्टम के साथ मिलाएंगे तो एलॉय क्या होगा, वो तो सेम ही रहा ना। तो फोर्थ होगा हमारा सही जवाब, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक आपने देखा, ठीक है, 13 क्वेश्चन आपने देखा, राइट। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और मैंने और भी बहुत सारे चीज़ें बनाई हैं, उस चीज़ को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पे जाएं, जहाँ पे आपको है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सारी चीज़ों की वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।